Hey, what's up guys, this is Abhishek. आज के इसमें बात करेंगे Realme 12 Pro 5G के बारे में जो कि इंडिया में वो लॉन्च होने वाला है जैन के लास्ट मंथ में, यहाँ पे कह सकते हैं 29th ऑफ जैन, और फ्लिपकार्ट लैंडिंग पेज भी आ चुका है। कह सकते हैं कि स्मार्टफोन टक्कर देने वाला है Redmi के Note 13 Pro 5G को। यहाँ पे ये भी स्मार्टफोन कम नहीं है, फीचर स्पेसिफिकेशन काफ़ी तगड़े हैं यहाँ पे, बट वही कि Redmi ने डिसअपॉइंट किया है इस बार Note 13 सीरीज़ में, यहाँ पे जो प्राइसिंग है थोड़ा हायर साइड में लाके। अब यहाँ पे Realme का 12 Pro 5G किस तरीके से रहने वाला है वही आज की स्ट्रीम में देखेंगे। वीडियो करने वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज किस में बात करेंगे Realme 12 Pro 5G के ऊपर। Flipkart पर लैंडिंग पेज आ चुका है 29th ऑफ जैन को, शायद ये इंडिया में होने वाला है लॉन्च, और प्राइसिंग कितना रहने वाला है वीडियो के एंड में बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए इसके डिस्प्ले की, तो 6.67 इंचेस का आप लोगों को सेंटर पंचोल के साथ 120 हर्ट्ज़ के स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाला एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिस्प्ले साइज काफ़ी सही है, कर्व एमोलेड है यहाँ पे, सेंटर पंचोल के आता है और डिस्प्ले बहुत सही है, मर्सी मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी सही देखने को मिलता है इसका। यहाँ पे डिस्प्ले में कोई भी मतलब कमी नहीं है, बेस्ट डिस्प्ले लगाया गया फ्रेंड्स इसके अंदर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें लगाया गया फ्रेंड्स स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, पावर एफिशिएंट है, पावरफुल है कह सकते हैं। ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 7S Gen 1 या फिर Gen 2 से थोड़ा सा यहाँ पे कम है, बट थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा सा बट यहाँ पे अच्छा खासा आउटपुट देता है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर भी। और साथ में क्लब किया गया 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, UFS 2.2 और LPDDR4X रैम टाइप के साथ आएगा इसके अंदर यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं रीड एंड राइट कुछ इस तरीके से रहेगा। बाकी एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ बॉक्स और यहाँ पे Realme का खुद का UI आप लोग को देखने को मिलेगा इसके अंदर, तो ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन काफ़ी सही देखने को मिलता है यहाँ पे, और आउटपुट भी सही रहने वाला है प्रोसेसर का, बिकॉज गेमिंग बहुत इस तरीके से हैंडल करने वाला है। बाकी कैमरा की बात की तो पीछे की तरफ 4 कैमरा दिखता है, बट वो तीन ही कैमरा है बेसिकली। यहाँ पे 50 megapixel का मेन सेंसर जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आएगा, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड और एक 32 megapixel का पेरिस्कोपिक लेंस लगाया गया है बैक में यहाँ पे, तो ये कैमरे का कुछ इस तरीके से लेआउट देखने को मिलेगा। बाकी फ्रंट कैमरे का 16 megapixel का सेल्फी कैमरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। बैटरी की बात की तो 5000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा विद 67W के फास्ट चार्जिंग अडाप्टर के साथ। बैटरी बैकअप भी काफ़ी सही है यहाँ पे और बोल सकते हैं लंबे समय तक चलेगा, और अडाप्टर भी काफ़ी सही देखने को मिलेगा इसके अंदर यहाँ पे। और फोन की लगभग सारी चीज़ों की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आएगा, 3.5 का जैक इसमें नहीं प्रेजेंट है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग देख लेना। देखो फोन के समअप की बात करें तो डिस्प्ले सही देखने को मिलता है, प्रोसेसर भी सही है, हार्ड मतलब सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर भी दोनों सही देखने को मिलता है, कैमरा भी बहुत ही सही मतलब इस बार लगाया गया है इसके अंदर, बैटरी भी वेल एंड गुड है, और फोन दिखने में लुक एंड फील वाइज भी काफ़ी सही, काफ़ी मतलब बेस्ट लुकिंग डिवाइस लगता है यहाँ पे। बात बात की क्या प्राइस पॉइंट पर इंडिया में होगा लॉन्च, तो यहाँ पे लगभग इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 24,000 rupees का एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रहने वाला है फ्रेंड्स, मे बी ऑफर के साथ 22-23 तक आ जाए, बट जो एक्चुअल प्राइसिंग वो 24 के आसपास रहने वाला है, विच इज़ ऑब्वियसली ऑन थोड़ा सा हायर साइड इफ विल कंपेयर विथ रेडमी, तो थोड़ा सा उसे तो कम ही है, बट ऑब्वियसली अगर ये रियलमी का 12 प्रो 5G 21,000 rupees में भी आ जाएगा ना 21,000 rupees में ऑफर के साथ, तो ये बहुत ही तगड़ा तहलका डील रहने वाला है फ्रेंड्स। मैक्सिमम यूजर्स आर गोइंग टू बाय दिस स्मार्टफोन बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो ये रियलमी का 12 प्रो 5G कैसा लगा आप लोगों को स्मार्टफोन ये कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, पीस आउट।